हेलो गाइस, मैं खुश रॉक का स्वागत करती हूँ हेडजी न्यूज में। बाप कर रहा था सोशल, लड़की ने किया कैमरे से पर्दाफाश। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, आपको भी जानना काफी ज्यादा जरूरी। कहाँ से आ रहा है हम आज की न्यूज में आपको बताएंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करती है आज की न्यूज। अमेरिका के फ्लोरिडा से हमारे सामने मामला आ रहा है जहां पर 14 साल की एक छोटी सी बच्ची पुलिस स्टेशन पहुंची एक कैमरा लेके, और उसे कैमरा में उसके बाप का शोषण दिखाई दे रहा था। और उसका बाप पहले उसे कैमरा क्लिप में ये चीज बोलता है कि वो उसके साथ शोषण करने दे, नहीं तो वो उसका जो प्यारा कुत्ता है उसको मार देगा, क्योंकि उसके हाथ में चाकू होता है और उस दौरान ही उसको भी मारने की धमकी देता है और शोषण भी करता है। और उस दौरान ये पूरा प्रूफ जब दिखाती है पुलिस वालों को, तब पुलिस वाले जल्द से जल्द एक्शन लेते हैं और उस बाप को पकड़ लेते हैं। बाद में जाके पता चला कि वो लड़की की जो माँ है वो अलग रहती है, और उसी के साथ साथ ये जो सब चीजें हो रही है शोषण, उसका बाप काफी सालों से उसके साथ शोषण कर रहा है। और ये पहले इसकी माँ ने और बेटी ने दोनों ने ही पहले कंप्लेंट की थी, पर उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं था, इसीलिए वो कंप्लेंट खारिज हो गई। अब भी बोल रहे हैं कि अभी वो जो बाप है जो शोषण कर रहा था 14 साल की बच्ची का, वो बेल पे छूट चुका है पर केस चल रहा है। तो गाइस, ऐसे लोगों को एक्चुअली छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वहां पर बेल एक्चुअली मिल तो जाती है, ऑफकोर्स मिल जाती है, बिकॉज लॉ तो लॉ है, पर कहीं ना कहीं 14 साल की नाबालिग बच्ची का शोषण करना और विद प्रूफ और फिर भी बेल मिल जाना, ये काफी अजीब सी अटपटी सी बात लगती है। क्या लगता है आपको, प्लीज विचार बताते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एचडी न्यूज़।